हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो टिल नाउ हमने देखा कि कॉम्फो कंपनी पावो कंपनी के साथ डील साइन कर लेती है और मिनसुक देखता है कि पावो कंपनी का सीईओ कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई ली सोक है। मिनसुक को ये देखकर शॉक लगता है और वो भागकर ली सोक को हग कर लेता है और फिर ली सोक से कंप्लेन भी करने लगता है। ली सोक कहता है कि आई एम रियली सॉरी, पर मिनसुक की हालत अभी भी खराब थी और वो ली सोक से पूछता है कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप पावो कंपनी के सीईओ हैं। ली सोक उसे समझाता है कि ये बात अभी किसी को मत बताना, टीम लीडर को भी नहीं। उन्हें बस जाकर यही कहना कि मीटिंग अच्छी तरह हो गई है और आप फंड्स तैयार रखो। मिनसुक उसे सारी बात एक्सप्लेन करने को भी बोलता है तो ली सोक उसे रात को 7 बजे अपने फ्लैट बुलाता है। मिनसुक जाने से पहले एक बार फिर से ली सोक को हक करता है और फिर बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। मिनसुक ऐसे ही करता है, वो प्रेसिडेंट को यही बताता है कि मीटिंग अच्छे से होगी और प्रेसिडेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं। प्रेसिडेंट ने अपने शेयर्स तो सेल कर ही दिए थे और अब वो स्पेशल रिजर्व्स को भी यूज करना चाहते थे। डायरेक्टर हान उन्हें बताते हैं कि इसके लिए आपको शेयर होल्डर्स और बोर्ड मेंबर्स की परमिशन लेनी होगी। तो प्रेसिडेंट नेक्स्ट ट्यूजडे स्पेशल मीटिंग अनाउंस कर देते हैं, बट सारे मैनेजर्स और डायरेक्टर्स को ये बात ठीक नहीं लग रही थी। मीटिंग के बाद जिनवो प्रेसिडेंट के ऑफिस आकर उन्हें बताता है कि पावो ने जापान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था और मुझे लगता है कि आपको ये प्रोजेक्ट यहीं पर रोक देना चाहिए। प्रेसिडेंट उस पर गुस्सा करते हैं और उसे चुप करा देते हैं। जिनवो डिसाइड करता है कि वो जर्मनी जाएगा और ट्यूसडे से पहले वापस भी आ जाएगा। दूसरी तरफ मिनसुक सूजन को ली सोक के बारे में बताता है और सूजन उससे बहुत सारे सवाल पूछती है जो मिनसुक खुद नहीं जानता था। मिनसुक गुस्से में था कि ऐसे कैसे वो मुझे इतनी प्रॉब्लम में डालकर एकदम से वापस आ सकता है। सूजन उसे समझाती है कि अब गुस्सा करना बंद करो और अपने भाई की बात मानो। ओके, मिनसुक कहता है कि तुम बुढ़ी हो गई हो, तुमने बिल्कुल मेरे डैड जैसी बात की। और फिर दोनों आपस में मस्ती करने लगते हैं। मिनसुक उसे फ्लाइंग किस देकर बाय बोलता है। मिनसुक रात को ली सोक से मिलने जाता है और उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है। ली सोक उसे बताता है कि मैं ये सब हमारे फादर के लिए कर रहा हूँ। कॉम्फो कंपनी के प्रेसिडेंट की वजह से ही हमारे फादर की डेथ हुई थी, क्योंकि वो और हमारे फादर बिजनेस पार्टनर्स थे। प्रेसिडेंट यू ने पैसों के लिए हमारे फादर को धोखा दिया था और हमारे फादर ने इस बात पर सुसाइड कर लिया। मिनसुक ली सोक से पूछता है कि कहीं तुम बदला लेने का तो नहीं सोच रहे। ली सोक कहता है कि मैं हमारे पेरेंट्स की डेथ के बाद जर्मनी चला गया ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूं और अपने छोटे भाई का ध्यान रख सकूं। पर वहां जाकर स्टडी करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पावरफुल बनना है ताकि मैं प्रेसिडेंट यू से बदला ले सकूं। मिनसुक समझ गया था और वो ली सोक से पूछता है कि फिर तुमने मुझे अपनी जगह कॉम्फो कंपनी में क्यों भेजा। ली सोक उसे बताता है कि मैं कोरिया आया था पर एयरपोर्ट पर एक प्रॉब्लम हो गई। देन हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक पुलिस ऑफिसर आकर ली सोक से कहता है कि हमें जर्मनी से इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट आई है और आप फ्रैंक के मर्डर सस्पेक्ट है, तो आप कोरिया में एंटर नहीं कर सकते, आपको जर्मनी वापस जाना होगा। फ्रैंक ली सोक का ही कलीग था जो ली सोक के प्लान में उसकी हेल्प कर रहा था, इसीलिए ली सोक ने मिनसुक को कॉल करके उसकी हेल्प मांगी थी। ली सोक मिनसुक को बताता है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए जर्मन की पुलिस ने मुझे छोड़ दिया, पर फिर भी उनकी नजर मुझ पर ही थी तो मुझे डर था कि कहीं उन्हें मेरी कंपनी के पेपर्स न मिल जाए। और देन फॉर्चुनेटली असली किलर पकड़ा गया तो मैं पुलिस से फ्री हो गया। एंड देन बाद में मैंने कॉम्फो कंपनी के लिए जाल बिछाया और एज एक्सपेक्टेड वो इस जाल में फंस गए। मिनसुक सोच रहा था कि प्रेसिडेंट ऐसा कैसे कर सकते हैं और क्या तुम्हें पक्का पता है। निशो कहता है कि मिनसुक मुझे इस समय तुम्हारी बहुत जरूरत है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा एक स्टोर के बाहर बैठे थे और स्टोर ओनर उन्हें घर जाने को बोलता है, पर ग्रैंडपा कहते हैं कि ली सोक ने मुझे कॉल पर बताया था कि वो मुझे बड़ी सी फिश दिखाने ले जाएगा और उसने मुझे यहाँ मिलने को बोला था। तभी वहाँ सूजन ग्रैंडपा को देखती है और उनसे पूछती है कि क्या आप फिर से गुम हो गए। ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, मैं तो ली सोक का वेट कर रहा हूँ। तो सूजन उन्हें उनके घर छोड़ने जाती है। डैड सूजन को थैंक यू और सॉरी बोलते हैं। देन सूजन गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसे वहाँ ली सोक दिखता है जिसे वो मिनसुक समझ लेती है। सूजन उसकी गाल खींचने लगती है और उसे पूछती है कि क्या तुम अपने बड़े भाई से मिले। ली सोक उसका हाथ हटाता है और उसे बताता है कि मैं ही मिनसुक का बड़ा भाई हूँ। सूजन को लगता है कि शायद मिनसुक उसे टच करने का बहाना बना रहा है। देन वो फिर से ली सोक के गाल खींचती है, पर देन उसे रियलाइज होता है कि ये मिनसुक नहीं है। तो सूजन उसे सॉरी बोलती है, पर तभी वहाँ ताइसुक और हवान आ जाते हैं, मतलब एक और ड्रामा शुरू। सूजन उन्हें रोकने की कोशिश करती है बट वो ली सोक के गाल खींचने लगते हैं और उसके साथ अजीब सी हरकतें करते हैं जैसा वो मिनसुक के साथ करते हैं। ली सोक उन्हें दूर करता है और तभी वहाँ मिनसुक आकर उनसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ताइसुक और हवान की थोड़ी प्रोसेसिंग होती है
और देन उन्हें रियलाइज होता है कि वो गलत बंदे से पंगा ले रहे थे। तीनों ली सोक से सॉरी मांगते हैं। ली सोक मिनसुक से कहता है कि तुम्हारे आसपास बहुत ही अजीब से लोग हैं। तीनों अभी भी शॉक में थे। मिनसुक सबको जगा रहा था। देन वो ताइसुक और हवान को सूजन को घर छोड़कर आने को कहता है। हवान और ताइसुक सूजन को संभालते हैं जो बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह चल रही थी। घर पर डैड ली सोक को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी उंगलियां टूट गई थी जो तुमने हमें एक बार भी कॉल नहीं किया। डैड रोते हुए ली सोक को हग कर लेते हैं और उसका स्वागत करते हैं। ली सोक उन्हें अभी भी अंकल बुला रहा था तो डैड उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम मुझे डैड बुलाओ, और वो फिर से ली सोक को हग कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ली सोक ग्रैंडपा के पास आकर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि देखिए ग्रैंडपा मैं ली सोक, मैं घर आ गया। डैड उसे कहते हैं कि तुम भूखे होगे, रुको मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। ली सोक कहता है कि मैं बस आप दोनों से मिलने आया था और अब मुझे जाना होगा। डैड उसे जल्दी से घर वापस आने को कहते हैं। ली सोक जाने वाला था कि ग्रैंडपा भी वहां आ जाते हैं और वो रोते हुए ली सोक को हग कर लेते हैं। ग्रैंडपा उसे पूछते हैं कि तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। ली सोक उनसे सॉरी कहता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि चलो हम बड़ी वाली फिश देखने चलते हैं। ली सोक उनसे कहता है कि आज नहीं, हम 2 नाइट्स बाहर चलेंगे। ग्रैंडपा उसे प्रॉमिस करने को कहते हैं और ली सोक उनसे प्रॉमिस करता है। ग्रैंडपा ली सोक को चॉकलेट देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें गुड बॉय बनकर रहना है, ओके। मिनसुक दूर खड़ा ये सब देख रहा था। हवान और ताइसुक सूजन को ताइसुक के रेस्टोरेंट में ले आए थे और सूजन की टेंशन कम करने की बजाय ये उसे और भी बढ़ा रहे थे, ये कहकर कि तुम्हारी मिस्टेक के सामने हमारी मिस्टेक तो कुछ भी नहीं है। सूजन अपने ख्यालों से बाहर आकर खाना खाने लगती है और उनसे कहती है कि ये खाना खाने लायक नहीं है, मेरा मूड ऑलरेडी खराब है, बट ये खाना उससे भी खराब है। ताइसो कहता है कि हाँ मुझे पता है और ये हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है। ये सुनते ही सूजन फिर से एम्बेरस हो जाती है। हवान उससे और भी परेशान करता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। देन सूजन हंसती हुई कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये खाना सच में बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ ली सोक मिनसुक से फिर से मिलता है और उसे कुछ दिन और ये नाटक करने को बोलता है। मिनसुक उससे पूछता है कि कॉम्फो कंपनी का क्या होगा, क्या वो खत्म हो जाएगी और क्या यही तुम्हारा बदला होगा। मिनसुक को प्रेजेंट यू पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था पर उसे ये सब गलत लग रहा था, तो ली सोक उसे याद दिलवाता है कि प्रेजेंट यू की वजह से ही आज हम दोनों अकेले हैं, तो मैं जैसा कहता हूँ तुम बस वैसा ही करो। मिनसुक घर जाकर अपनी फैमिली फोटो देखता है। नेक्स्ट डे सारे एम्प्लॉयज पावर प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही खुश थे पर मिनसुक नहीं खुश था क्योंकि उसे सच पता था, तो वो दास होकर वहां से चला जाता है। सूजन मिनसुक के पास आकर उसकी एक्टिंग करने लगती है और मिनसुक उसे फिर से हक के लिए पूछता है और सूजन शर्मा जाती है। रात को मिनसुक को घर के बाहर ग्रैंडपा मिलते जो एकदम रेडी थे क्योंकि उन्हें फिशेज देखने जाना है। मिनसुक उनकी तारीफ करता है कि आप तो जी ड्रैगन से भी ज्यादा स्टाइलिश लग रहे हो। ग्रैंडपा ली सोक से मिलना चाहते थे पर मिनसुक उन्हें समझाता है कि अभी एक रात और बाकी है तो आप उसे कल मिल लेना, पर ग्रैंडपा भाग जाते हैं और दोनों ली सोक के फ्लैट में आते हैं। मिनसुक ली सोक को कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाता। ली सोक का वेट करते करते ग्रैंडपा को नींद आने लगी थी तो मिनसुक एक लेटर लिखकर वहां रख देता है। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा बैग पैक करके बिल्कुल रेडी बैठे थे और डैड खाना तैयार कर रहे थे। मिनसुक आकर ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या आप फिशेस को चॉकलेट खिलाने वाले हो और क्या एक चॉकलेट मैं रख लूं। ग्रैंडपा मिनसुक के हाथ पर काट लेते हैं और उसे कहते हैं कि मैं बस ये ली सोक को दूंगा। मिनसुक कहता है कि आप बहुत मीन हो, मैं भी तो आपका ग्रैंडसन हूँ, आप बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हो, मैं बहुत सैड हूँ। तो डैड मिनसुक को खुश करने के लिए उसे प्यार करने लगते हैं और मिनसुक फिर से खुश हो जाता है। ग्रैंडपा अभी तक ली सोक का वेट कर रहे थे और वो फोन भी नहीं उठा रहा था। डैड ग्रैंडपा को समझाते हैं पर ग्रैंडपा आज ही जाना चाहते थे। मिनसुक ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ चलोगे, तो ग्रैंडपा रोते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पसंद नहीं, मैं सिर्फ ली सोक के साथ ही जाऊंगा। मिनसुक को आइडिया आता है तो वो ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या आप अपनी प्रीटी लेडी के साथ भी नहीं चलोगे। ये सुनकर ग्रैंडपा फिर से खुश हो जाते हैं और नेक्स्ट सीन में तीनों एक साथ एक्वेरियम आते हैं। ग्रैंडपा फिशेस देखकर बहुत ही खुश थे। सूजन मिनसुक से पूछती है कि ग्रैंडपा ली सोक इतना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि वो तो तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद जर्मनी चला गया था तो वो ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुका होगा। मिनसुक उसे बताता है कि मेरे प्रेजेंट वाले डैड और ग्रैंडपा पहले भी हमारे साथ ही रहते थे क्योंकि मेरे प्रेजेंट वाले डैड मेरे रियल फादर के ड्राइवर थे। मेरा भाई बहुत ही रूड है बट पता नहीं क्यों वो ग्रैंडपा से बहुत प्यार करता है। ग्रैंडपा सूजन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाते हैं और मिनसुक को फिर से जेलसी हो रही थी और उसे सारे बैग भी उठाने पड़ रहे थे। ग्रैंडपा और सूजन के बीच मिनसुक बस इग्नोर ही हो रहा था और सेल्फी लेते टाइम भी ग्रैंडपा मिनसुक को धक्का मार देते।
और मिंसू को उनकी फोटोज भी लेनी पड़ती है और वो गुस्से में बिना देखे उनकी फोटोज क्लिक कर जा रहा था। देन एट लास्ट ये तीनों एक साथ फोटो ले ही लेते हैं। स्टोर पर ग्रैंडपा लीसो के लिए एक स्टफ टॉय लेते हैं और मिंसुक भी एक टॉय लेना चाहता था, पर सूजंग और ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि ये अच्छा नहीं है। मिंसुक फिर से गुस्सा हो जाता है कि मैं भी तो आपका ग्रैंडसन हूँ, और फिर वो सूजंग को मारता है, पर ग्रैंडपा उसके सर पर मारते हैं। अभी भी ये दोनों मिंसुक को टीज कर रहे थे और मिंसुक अपसेट हो जाता है। ग्रैंडपा उसे टिकल करने लगते हैं और मिंसुक नीचे गिर जाता है। देन ग्रैंडपा थककर सो जाते हैं। सूजंग मिंसुक से कहती है कि ग्रैंडपा सच में एक एंजल है। मिंसुक अपना ड्रामा शुरू कर देता है कि तुम दोनों ने मुझे आज सारा दिन बुली किया है और इससे मैं बहुत ही हर्ट हुआ हूँ। सूजंग कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, और वो फिर से मिंसुक के वीक पॉइंट पर टिकल करने लगती है। मिंसुक उसे समझाता है कि इस एरिया को छोड़कर तुम मुझे कहीं भी टच कर सकती हो, पर सूजंग इसका गलत मतलब निकाल लेती है और वो प्यार से मिंसुक को टपली मारती है। मिंसुक कहता है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं। तो सूजंग उसे फिर से टपली मारती है। ग्रैंडपा और मिंसुक सूजंग को सी ऑफ करते हैं और ग्रैंडपा मिंसुक से कहते हैं कि मुझे आज बहुत ही मजा आया, और फिर वो मिंसुक को किसी देते हैं। मिंसुक इस बात पर बहुत ही खुश होता है, तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि मैं प्रिटी लेडी से शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर मिंसुक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, आप उससे शादी नहीं कर सकते। पर ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर लीसो को होता तो वो मुझे प्रिटी लेडी से शादी करने देता। मिंसुक समझ गया था कि इसीलिए ग्रैंडपा ने उसे किसी दी है। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें दोबारा किसी करूं। मिंसुक उनसे किसी ले लेता है, पर सूजंग से शादी करने को मना कर देता है, और फिर ऐसे ही ये दोनों बहस करने लगते हैं। देन मिंसुक को लीसो की कॉल आती है तो मिंसुक उस पर बहुत चिल्लाता है, पर लीसो उसे बताता है कि ट्यूसडे हमारा डी डे है, मतलब उस दिन हमारा बदला पूरा होगा, तो तुम वहां पर जरूर आना और तुम्हें बस वहां मेरे फेवर में वोट करना है। मिंसुक कहता है कि ठीक है, प्रेसिडेंट यू ये डिजर्व करते हैं, बट बाकी एम्प्लॉयज का क्या होगा, वो इनोसेंट लोगों की तो जॉब चली जाएगी, इन सब से तुम्हारी लाइफ भी खराब हो जाएगी। लीसोक चिल्लाकर कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है और मुझे ये सब पहले से ही पता है। मिंसुक उससे पूछता है कि फिर तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खराब करने दूं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे कोई रिवेंज नहीं चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है कि हमारे फादर भी रिवेंज लेना चाहते थे? क्या बदला लेने से हमारे फादर वापस आ जाएंगे और फिर तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? हम सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं ना, ग्रैंडपा अभी सिर्फ तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, प्लीज ये सब अभी बंद कर दो। लीसो फिर भी उसकी बात नहीं मानता। मिंसुक कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं मीटिंग में आकर तमाशा खड़ा करूंगा और अब खुद ये सब रोकूंगा। मिंसुक सारी रात ग्रैंडपा के साथ ही बैठा रहता है और ग्रैंडपा ने अभी तक अपने हाथ में सॉफ्ट टॉय पकड़ा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग डैड और मिंसुक ग्रैंडपा को काफी उठाने की कोशिश करते हैं, पर ग्रैंडपा के हाथ से टॉय गिर जाता है। ये देखकर मिंसुक और डैड बहुत ही डर जाते हैं, पर थैंक गॉड ग्रैंडपा ठीक थे और फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, पर उनका ध्यान अभी भी लीसोक में ही था। मिंसुक उनके हाथ से प्लेट खींच लेता है और कहता है कि ये सारा खाना मैं खाऊंगा, और फिर वो प्लेट वापस करके उनका टॉय ले लेता है। ऐसे ही ये दोनों प्यार से लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीसोक कॉम्फो कंपनी में आता है और सूजंग उसे फिर से मिंसुक समझ लेती है और उसे टिकल करने लगती है, और लीसोक उसे घूरने लगता है। पर उसके एलिवेटर में जाने के बाद सूजन को ये बात रियलाइज होती है कि वो मिंसुक नहीं था। सारी रिटेल टीम लीसो को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बट उसका रिप्लाई थोड़ा ज्यादा ही फॉर्मल था और उन्हें लीसो काफी डिफरेंट लग रहा था। टीम लीडर सबको बताते हैं कि ट्यूसडे वाली मीटिंग आज रखी गई है, इसीलिए बाहर इतनी सारी कार्स खड़ी हैं। पता नहीं मेरे पास कब वैसी कार होगी, मुझे भी वैसी कार चाहिए। सूजन मिंसुक को कॉल करके बताती है कि लीसोक यहाँ कंपनी में है। मिंसुक को ये सुनकर शॉक लगता है। नेक्स्ट सीन में लीसोक कॉन्फ्रेंस रूम में आता है। लीसोक बहुत ही स्मार्ट है, उसने मिंसुक को बिना बताए ट्यूसडे की मीटिंग मंडे को रखवा ली ताकि उसका रिवेंज जल्दी पूरा हो जाए। जिन वो को भी मीटिंग का पता चलता है तो वो जल्दी से कंपनी की तरफ जाता है। दूसरी तरफ मिंसुक भी भागता है, जिन वो अपने फादर को वॉइस मेल्स भी भेजता है कि ये सब लीसोक की चाल है। मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और लीसोक बहुत ही टेंशन में लग रहा था, पर सारी वोट्स लीसोक मतलब पावो कंपनी के फेवर में चली जाती है। तो इसका मतलब है कि सारे बोर्ड मेंबर्स स्पेशल रिजर्व यूज करने को मान गए थे। प्रेसिडेंट बहुत ही खुश थे। लीसोक को पता चलता है कि कॉम्फो कंपनी के सारे फंड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, मतलब कॉम्फो कंपनी खत्म। मिंसुक और जिनवू भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रेसिडेंट मिंसुक और लीसोक को एक साथ देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। मिंसुक लीसोक से पूछता है कि क्या आपने ये सब कर दिया। प्रेसिडेंट पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। लीसोक प्रेसिडेंट यू को बताता है कि आप खत्म हो गए, यू आर फिनिश्ड, और मैं जंगसू का ही बेटा हूँ। ये सुनकर प्रेसिडेंट को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिनवू प्रेसिडेंट को संभालता है, पर मिंसुक कुछ नहीं कर पाता। सारे एम्प्लॉयज को सब पता चल चुका था
कि मिनसुक ने ली सियोक की एक्टिंग की थी और ये ली सियोक का रिवेंज था और प्रेसिडेंट यू का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था और जिनवू उनका ही बेटा है। सारे एम्प्लॉयज को टेंशन होने लगी थी कि अब हमारा क्या होगा। टीम लीडर को जैसे ही ये सब पता चलता है तो उनकी हालत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। देन उन्हें होश आता है बट वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। प्रेसिडेंट यू अब हॉस्पिटल में थे। जिनवू आकर मिनसुक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम अपने भाई से बात करो। मिनसुक कहता है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जिनवू उसके सामने अपने घुटने टेक देता है कि मैं अपने फादर की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे फादर ने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे फादर अपनी जान ले लेंगे, सो प्लीज अपने भाई से बात करो। मेरे फादर ने अपनी सारी जिंदगी इस कंपनी को दी है और अगर ये कंपनी खत्म हो गई तो वो भी खत्म हो जाएंगे। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज अपने भाई से बात करो प्लीज। नेक्स्ट सीन में मिनसुक कॉल करके ली सियोक से पूछता है कि तुम कहाँ हो और तुम ये सब कैसे कर सकते हो। ली सियोक कहता है कि अब वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका है। मिनसुक उससे मिलने के लिए बोलता है बट ली सियोक कॉल कट कर देता है। मिनसुक ली सियोक के फ्लैट जाकर चेक करता है बट ली सियोक वहां नहीं था। घर पर ग्रैंडपा अभी भी काउच पर सो रहे थे तो डैड बाहर सब्जी लेने चले जाते हैं पर ग्रैंडपा ली सियोक को ढूंढने के लिए घर से भाग जाते हैं। डैड मिनसुक को बताते हैं कि ग्रैंडपा फिर से कहीं चले गए हैं। तभी मिनसुक को सूरंग की कॉल आती है और वो उसे ग्रैंडपा के बारे में बताता है। सूरंग कहती है कि मैं भी उन्हें ढूंढने जाती हूँ। तीनों ग्रैंडपा को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें ग्रैंडपा कहीं नहीं मिलते। देन मिनसुक सबको कॉल करके बताता है कि मुझे शायद पता है कि ग्रैंडपा कहाँ होंगे। ग्रैंडपा ली सियोक के फ्लैट के बाहर सबसे यही पूछ रहे थे कि क्या आपने ली सियोक को देखा, मेरे ली सियोक को देखा क्या आपने। देन वो वहीं थककर सो जाते हैं। तीनों को फाइनली ग्रैंडपा मिल जाते हैं। मिनसुक डैड को बताता है कि ग्रैंडपा ली सियोक को ये सॉफ्ट टॉय देना चाहते हैं और ये सब ली सियोक की वजह से हुआ। मिनसुक ग्रैंडपा को उठाने की कोशिश करता है कि ग्रैंडपा उठिए, चलो हम घर जाकर सोते हैं, चलिए ना। पर ग्रैंडपा का सर टिल्ट हो जाता है तो मतलब ग्रैंडपा नहीं रहे। डैड मिनसुक को संभालते हैं और मिनसुक रोने लगता है। सूजंग रोती हुई बाहर आ जाती है और मिनसुक का अंदर बुरा हाल हो रहा था। डैड भी बहुत रोते हैं और बस मिनसुक की हालत बहुत ही खराब थी क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा से बहुत ही प्यार करता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। I'd fill my mouth with you, someone else.